मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक का त्रिकोणमिति का पहला त्रिकोणमिति का सवाल हल कराऊंगा, जिसमें हम लोग प्रश्नावली जो एनसीईआरटी का चैप्टर जो है 8.2 प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। पहला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। हल करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, फिर त्रिकोणमिति के सवाल बहुत आसान लगेंगे, बिल्कुल हंसते हंसते आप लोग लगा लेंगे, बहुत आसान है। मैथ से बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़े आसानी से चीजों को समझ जाने के बाद, जो चीजें कैसे क्या हो रही है, सारे नियमों को समझने के बाद बहुत इजी सब्जेक्ट मैथ आपको लगेगा। चलिए आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश। इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान जो है कोणों का, मैंने हल करवाया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के वहां से आप लोग देख लीजिए, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको। फिर है साइन 30 अंश इंटू कॉस 60। इसमें जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो साइन 30 का 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, और कॉस 30 अंश का मान जो होता है वो भी अंडर रूट 3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। हर का गुणा हर से और अंश का गुणा अंश से, 3 का गुणा होगा 3 होगा और 2 2 4, क्यों 3 होगा, क्योंकि दो बार रूट है तो रूट हटा लेते हैं, संख्या को एक बार लिखते हैं, प्लस 1/2 2 2 4, 3 और 1 4, 4/4, 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 2 tan² 45 अंश, 2 tan² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो 2 और tan 45 का मान जो होता है वो एक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, उससे कोई मैटर नहीं है। ऐसे cos 30 का मान जो होता है अंडर रूट 3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे sin 60 का अंडर रूट 3/2 स्क्वायर कर देंगे। दोनों चीजें सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, स्क्वायर है कट जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, सेम चीजें है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 2 और 1 के कारण 1 को 4 इतनी पावर लगा देंगे का 1 ही मिलेगा, तो बराबर 1, 2 × 1 = 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 में हमारे पास है cos 45 इंच बटा से 30 अंश प्लस कोशेक 30 अंश। कास 45 का मान 1/√2, शेक 30 का मान कास का उल्टा, कास 30 का अंडर रूट 3/2 तो इसका 2/√3, कोशेक 30 का साइन 30 का, साइन 30 का 1/2 तो कोशेक 30 का क्या होगा 2/1, इसका लासा लिया जाएगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे जाएगा साथ की, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2√3 बटा हो जाएगा √3। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आप क्या देखेंगे कि उलट जाएगा भाई, बटा है इतने का बटा इतना है, तो ये गुणा के रूप में होता है, नीचे ऊपर और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे, अंडर रूट 3/2 + 2√3। अब हम लोग यहां क्या देख रहे हैं कि 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 2 इसमें कॉमन ले लो और अंडर रूट 2 से गुणा कर दो, तो अंडर ऊपर कांस्टेंट से गुणा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 कॉमन ले लेंगे और इस रूट 2 से गुणा करेंगे, 2 कॉमन लेंगे पहले 2 कॉमन लो, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस √3 अंडर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट 2 × 2, रूट इस पे भी है रूट इस पे भी है, तो गुणा हो जाएगा अंडर 6।
अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट तीन बटा दो प्लस रूट छह, पहले का हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रूट तीन दो। एक इसमें नियम है कि परमेय जो मान होता है इतना लिखेंगे, एग्जाम में तो भी सही जाएगा, लेकिन हर में जो है अपरमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट छह प्लस है तो माइनस रूट छह दो से गुणा कर देंगे। जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, इसीलिए करते हैं, परमेयकरण करने का मतलब यही मकसद होता है, एक ब्रेकर में प्लस भी एक ब्रेकर में माइनस भी, इसका गुणा होगा तो तीन छह अठारह हो जाएगा। भाई रूट दोनों पे है इसीलिए गुणा हो रहा है, और इसका तीन उन्नीस छह हो जाएगा बटा ये दो रहेगा। एक ब्रेकर में ए प्लस बी वाला फार्मूला याद है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक ब्रेकर में ए प्लस बी, एक ब्रेकर में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें दो रहेगा फिर ये रूट छह हो जाएगा, रूट छह का स्क्वायर फिर माइनस रूट दो का स्क्वायर। अठारह का तोड़ेंगे तो तीन तरीका नौ, नौ गुणी अठारह तीन बाहर हो जाएगा, तो तीन रूट दो हो जाएगा माइनस रूट छह। यहां दो बचेगा, किसी भी संख्या पे अगर रूट है और स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों हटेगा, तो छह माइनस दो, छह में से दो घटेगा क्या बचेगा चार, क्या बचेगा चार, तो दो गुणे चार दो दुनी चार दुनी आठ, तीन रूट दो माइनस रूट छह बटा चार दुनी आठ। कुछ भी नहीं करना है, केवल मानों को रख के हल करना है। पहले क्वेश्चन में साइन साठ का मान अंडर रूट तीन बाई टू, कास तीस का मान अंडर रूट तीन बाई टू, फिर है साइन तीस का मान एक बटा दो, कास साठ का मान एक बटा दो, रख के क्रॉस कर दिया, गुणा किया पहले तीन बटा चार, फिर दो दुनी चार, फिर एक एक का में दो दुनी चार, दोनों जोड़ा गया चार बटा चार, चार मतलब ये होता है अंश को हर से भाग करते हैं, भाग करने पर एक आ गया, ऐसे इसमें मान रखा गया, ये कट गया क्रॉस आउट हुआ, इसका मान निकल आया केवल दो आया, फिर इसमें मान रख के हमने परमेयकरण करके ये हल आ गया, ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चार है ये वाला, तो इसमें मान रख देते हैं यहीं से साइन तीस का मान, यहां से हम लोग हल कर लेंगे इसको, साइन तीस का मान एक बटा दो, टैन पैंतालीस का मान एक, कोसेक साठ, तो साइन साठ का मान अंडर रूट तीन बटा दो, तो कोसेक का क्या होगा माइनस दो बटा रूट तीन, इसका मान यहीं से रख रहे डाले, सेक तीस का मान कास तीस का अंडर रूट तीन बटा दो, तो इसका दो बटा रूट तीन, प्लस कास साठ का मान एक बटा दो, फिर कार पैतालीस का मान एक। आप लोगों को सारी वैल्यू देखने में एक जैसी दिख रही है, ध्यान से चेक कर लीजिए, बट ऐसा हाल ही यहां माइनस है और यहां प्लस है, अगर दोनों जगह माइनस हो जाता या दोनों जगह यहां प्लस हो जाता तो कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे तो दो एक कम दो, दो एक तीन बटा दो माइनस दो रूट तीन, ऐसे इसको जोड़ेंगे तो दो बटा रूट तीन प्लस दो एक कम दो, यहां दो हो जाएगा, दो और एक तीन बाई टू। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लासा ले लिया जाए तो दो दुनी चार, दो दुनी चार, या ऐसे कर लिया जाए परमेयकरण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग परमेयकरण ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये बनेगा तीन रूट तीन, इससे बड़ा होगा और इससे इससे, तो दो दुनी चार बटा बन जाएगा हमारा दो रूट तीन, फिर बटा ऐसे इसका दो दुनी चार प्लस तीन रूट तीन बटा दो रूट तीन। अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टेगा ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये बनेगा तीन रूट तीन माइनस चार बटा
2√3 गुणे 2√3 पूरा पद जहां क्रॉस आउट होगा वहां क्रॉस आउट होगा, 4 + 3 इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि ये ऊपर नीचे सेम है, क्रॉस कर देंगे कट जाएगा, फिर यहां आएंगे। अब ये बचा 3√3 − 4 बटा ये बच रहा है आपका 4 + 3√3। या इसको इस तरह से हल कर ले या इसको 3√3 − 4 कर दे। चलो 3√3 पहले कर देते हैं फिर +4, 3√3 + 4। अब हम लोग क्या चाहे प्लस है चाहे इसको इधर लिखो, कर्मी में नियम लागू होगा ना इसमें। अब प्रमेयीकरण करेंगे, ये 3 हटाना है तो 3√3 प्लस है तो -4 से गुणा करेंगे तो 3√3 − 4। अब देखिए ये दोनों दिख रहा है कि जो चीज यहां है वही चीज यहां है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहां क्या है ब्रेकेट में a+b ब्रेकेट में a-b तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इसका रखेंगे ये -b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 गुणे ये मतलब 3√3 × b 4। और ये क्या होगा 3√3 को दो बार गुणा करेंगे तो 3√3 को गुणा करेंगे ना तो 3 × 3 क्या होगा 9, और ये दो बार है तो रूट हट जाएगा तो 3 × 3 9 तो 27 हो जाएगा −4 × 16 इक्वल टू आगे बढ़ेंगे हम लोग तो फिर क्या मिलेगा ये 3 × 3 9 = 27 + 4 × 16 −4 × 8 = 24 √3/27 में से 16 घटा लो तो 16 घटेगा तो 16 × 26 = 11 बचेगा और इसमें जुड़ जाएगा तो 8 × 6 = 13 और 2 × 1 = 3 = 4 = 43 −24√3/11 ये हो गया हमारा आंसर। कुछ करना नहीं है बस केवल स्टेप बाय स्टेप हल करते जाना है हम लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, यहां से इसमें भी मान केवल रख लेंगे आप लोग, सवाल नहीं नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2 और स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 sec 30 का मान, cos 30 का मान √3/2 तो sec का उल्टा cos होगा और cos का उल्टा sec तो ये हो जाएगा गुणे 2/√3 का स्क्वायर −10 = 45 एक का स्क्वायर बटा ये साइन स्क्वायर 30 अंश मतलब साइन 30 का मान क्या है हम लोग जानते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का √3/2 का स्क्वायर ये 5 हो जाएगा 1/2 एक को चार कितनी बार गुणा करोगे 1 × 2 = 4 2 × 2 = 4 ऐसे प्लस 2 × 2 = 4 और नीचे वाला क्या होगा भाई रूट हट जाएगा स्क्वायर है केवल बस और कुछ नहीं होगा केवल रूट हट जाएगा तो ये बच जाएगा 3 − 1 बटा देखेंगे 1/4 प्लस इस पे क्या होगा रूट हटेगा 3 × 2 = 4 तो क्या होगा फिर आगे 5/4 प्लस 4 × 16/3 − 1 बटा 3 और 1 = 4 हाँ समान है तो 4/4 चार को चार से अगर हम क्रॉस कर देंगे तो भाग हो जाएगा और भाग हो जाएगा तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। अब नीचे का काम खत्म, ऊपर वाला बचा है इसके आगे यहां देखते हैं। इसके आगे देखेंगे तो 5/4 और 3 बचा गया 5/4 + 16/3 − 1 लास आ लेंगे तो 12 होगा तो इससे किससे गुणा होगा 3 × 5 = 15 + 16 × 4 = 64 और −12 बटा 12। अब क्या होगा भाई 15 में से 12 घटा लो 3 × 64 = 67/12 ये हुआ आपका आंसर मेरे प्यारे साथियों।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।